श्रीनगर एनकाउंटर में एक आतंकी ढेर हो गया। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे, सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया है। इलाके में सुरक्षा बलों की तरफ से सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। जम्मू कश्मीर में अलग अलग इलाकों में लगातार सुरक्षा बलों की तरफ से ऑपरेशन जो चलाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सुरक्षा बलों ने दो आतंकियों को ढेर कर दिया। अनंतनाग के हल्कान गली इलाके में अभी भी मुठभेड़ चल रही है। इलाके को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। अनंतनाग के अलावा श्रीनगर के खान्यार और बडगाम में भी एनकाउंटर जारी है। खान्यार में कई आतंकियों के छिपे होने की आशंका है। खान्यार में जिस घर पर आतंकी छिपे थे वहाँ ज़बरदस्त धमाका हुआ है। इसके साथ ही साथ जम्मू कश्मीर में आतंकियों का सफाया करने के लिए लगातार ऑपरेशन चलाया जा रहा है। आतंकी आए दिन यहाँ घुसपैठ की कोशिश करते हैं और आतंकी वारदात को अंजाम देने की जुगत में रहते हैं। इससे निपटने के लिए सुरक्षा बल हमेशा मुस्तैद रहते हैं। श्रीनगर के खान्यार में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है। सूत्र के मुताबिक खान्यार इलाके में 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की आशंका है। खुफिया इनपुट के आधार पर सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया है। वहीं बडगाम में भी आतंकियों के साथ मुठभेड़ लगातार जारी है। आशिक मीर हमारे सहयोगी तमाम अपडेट्स के साथ हमारे साथ इस बड़ी खबर पर जुड़ गए। आशिक, श्रीनगर में जिस तरीके से इस वक्त स्थिति है, जहां अलग अलग इलाकों में लगातार ग्राउंड ऑपरेशन जो है वो सेना की तरफ से कराया जा रहा है, क्या कुछ अपडेट है इस वक्त? बिल्कुल चंदन, अगर हम आज के ऑपरेशन की बात करें, ये ऑपरेशन जो है सुबह 7 बजे से शुरू हुआ और लगातार यहाँ पर दिन भर जो है फायरिंग का तबादला दोनों तरफ से चलता रहा। और फिलहाल सबसे बड़ी खबर ये आ रही है कि एक आतंकी को जो है ढेर कर दिया गया है। अभी भी बताया जा रहा है कि 2 और आतंकी जो है इस पूरे इलाके में छुपे हुए हैं। ग्राउंड से हम रिपोर्ट कर रहे हैं और यहाँ से बिल्कुल कुछ ही कदम के फासले पर ये एनकाउंटर चल रहा है। फिलहाल जिस घर में ये आतंकी छुपे हुए हैं उस घर में आग लगी है और आसपास के इलाकों के लोगों को जो है इवैक्यूएट किया गया है और लगातार जो है अभी भी रुक रुक कर फायरिंग की आवाजें जो है सुनाई दे रही है, धमाकों की आवाजें सुनाई दे रही है। यानी सुबह से ये एंटी टेरर ऑपरेशन जो है चलाया गया। इसी तरह जो है अनंतनाग के इलाके में भी सर्च ऑपरेशन चलाया गया, जहां पर सुरक्षा बलों को इनपुट मिला था कि इस इलाके में भी कुछ आतंकी जो है छुपे हुए थे, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने उस पूरे एरिया का जो है कॉर्डन किया। कॉर्डन के दौरान जो है छुपे हुए आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग की, जिसके बाद दोनों तरफ से गोलियां चली और 2 आतंकी वहां पर भी ढेर हुए। यानी लगातार जिस हिसाब से एंटी टेरर ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, एक नई स्ट्रेटजी तैयार की गई है, क्योंकि हमने देखा कि बीते कई महीनों से लगातार टारगेट किलिंग्स, नॉन लोकल्स पर फायरिंग करने के इंसिडेंट जो है काफी ज्यादा बढ़ गए थे, जिसको लेकर अब नई स्ट्रेटजी तैयार की गई है। और उत्तरी कश्मीर के बांडीपोरा में भी में सेना और सुरक्षा बलों का साझा सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। वहां पर भी कुछ आतंकियों के छुपे होने की खबर है। फिलहाल ग्राउंड पर हम श्रीनगर के खान्यार इलाके में हैं। ये खान्यार का वो इलाका है जो पहले काफी ज्यादा वोलेटाइल रहता था। इस इलाके में भी काफी ज्यादा आतंकी घटनाएं, स्टोन पेल्टिंग होती थी और फिलहाल आज 3 सालों के बाद जो है इस इलाके में भी एक बड़ा एनकाउंटर हुआ है। ये भी पता चला है कि कुछ पाकिस्तानी टेररिस्ट जो है इस इलाके में छुपे हुए थे, जो लगातार यहाँ पर डिस्टर्ब इस पूरे इलाके को करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सुरक्षा बलों को सुबह एक इनपुट मिला था, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने इस पूरे इलाके को घेरे में लिया। सबसे पहले जो यहाँ पर लोकल पॉपुलेशन रहती है उनको पहले इवैक्यूएट किया गया, सारी बस्ती को खाली किया गया और जो भी इस रडार में आते हैं, दायरे में आते हैं, उनको सेफली यहाँ से इवैक्यूएट करके जो है फायरिंग जो है दोनों तरफ से चलती रही। और बीच बीच में ऐसे धमाके भी सुनाई दिए गए, जिसकी वजह से इस घर में भी जो है आग लगी है। फिलहाल एक आतंकी के मारे जाने की खबर मिल रही है और फिलहाल इस घर में जो है आग लगी है। जी चंदन, इसके अलावा जिस तरीके से लगातार सेना की तरफ से सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, इन सबके बीच एक अहम बयान सामने आता है आशिक मीर, नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष का। वो कहते हैं कि आतंकियों को केवल मारना नहीं चाहिए, इनका खात्मा नहीं करना चाहिए, इनकी गिरफ्तारी जो है वो की जानी चाहिए और पूछताछ करना चाहिए इनसे। क्या वाकई आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, क्या वाकई जो परिस्थितियां आप जब देखते हैं सेना की तरफ से सर्च ऑपरेशन चलाया जाता है, तो वो स्थितियां नजर आती हैं जिनमें ये आतंकी जो हथियारों से लैस हैं, असलहों से लैस हैं, उनको सेना गिरफ्तार कर पाए?
देखिए, हमने देखा बीते कई महीनों से जिस तरह से घात लगाकर ये आतंकी जो है सेना की वाहनों पर या नॉन लोकल्स पर टारगेट करते हैं और उसके बाद अंधेरे का फायदा उठाकर घने जंगलों में जो है छुप जाते हैं। तो ये पहली बार नहीं है कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट है, उन्होंने कहा है कि हमें बात करनी चाहिए। उन्होंने इससे पहले भी जब यहाँ पर नई सरकार का गठन नहीं हुआ था तब भी वो कहते थे कि पाकिस्तान के साथ बात करनी चाहिए, लेकिन उनका यू टर्न जो है हमेशा रहता है। कुछ दिन पहले उनका ये भी बयान आया कि अब हम तंग आ चुके हैं, पाकिस्तान को हम चाहते हैं ये कहना कि यहाँ पर टेररिस्ट ना भेजे। यानी उनके बयान जो है बदलते रहते हैं, कभी वो कहते हैं कि पाकिस्तान के साथ बात करनी चाहिए तो कभी इस चीज को एडवोकेट करते हैं कि अब बात करनी चाहिए। तो इस तरह के बयान जो है फारूक अब्दुल्ला इससे पहले भी देते आए हैं, लेकिन फिलहाल जिस हिसाब से यहाँ पर सुरक्षा बलों का सांझा ऑपरेशन चलाया जा रहा है, ये कंजेस्टेड एरिया है डाउनटाउन के, ये वोलेटाइल इलाके, यहाँ पर घर भी जो है साथ साथ होते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर सिविलियन पॉपुलेशन को इवैक्यूएट करना सिक्योरिटी फोर्सेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और इन जगहों पर ऑपरेशन कंडक्ट करना एक बड़ा चुनौती भरा ये सफर रहता है। फिलहाल जिस हिसाब से यहाँ पर अब सर्च ऑपरेशन एनकाउंटर में तब्दील हुआ, यानी ये वो इलाके हैं जो पहले कभी डिस्टर्ब नहीं होते थे। पहले अगर आज से 3 साल पहले की बात करें, 3 साल पहले इस इलाके में एनकाउंटर हुआ, उसके बाद पीसफुल ये एरिया काफी टाइम तक रहा, लेकिन अब जो है एक बार फिर से एक साजिश बताई जा रही है, क्योंकि श्रीनगर का क्षेत्र जो है ये टूरिज्म के लिहाज से भी काफी मशहूर है। जिस हिसाब से गुलमर्ग बूटा पथरी में अटैक किया गया, वहां पर भी टूरिज्म सेक्टर को जो है कहीं ना कहीं डिस्टरबेंस वहां पर भी फैलाने की कोशिश की गई थी, और अब जो है श्रीनगर क्षेत्र में भी इस तरह की अफरा तफरी फैलाना, ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान सोच रहा है कि किस तरह से जम्मू कश्मीर के हालातों को एक बार फिर से खराब किया जाए। लेकिन फिलहाल सुरक्षा जो है पूरे जम्मू कश्मीर में बढ़ा दी गई है और ये भी इनपुट मिल रहा है कि अभी भी कई सारे आतंकी जो है लॉन्चिंग पैड्स पर स्नोफॉल होने से पहले ही घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे हैं। इस बीच जो है बॉर्डर्स पर भी सिक्योरिटी को जो है हाई अलर्ट पर रखा गया है चंदन। लेकिन जिस तरीके से इस वक्त स्थितियां नजर आ रही हैं आशिक मीर, और सवाल वाजिब भी है कि बीते 1 से 1.5 हफ्ते में लगातार आतंकी घटनाओं में जो इजाफा हुआ है और सुरक्षा बलों की तरफ से जिस तरीके से ऑपरेशंस को चलाया जा रहा है, और गगन गिर इलाके में हमने देखा किस तरीके से आतंकियों की तरफ से बड़ी घटना को अंजाम दिया गया, इन सब के बीच किस तरीके की स्थिति जो है वो अब नजर आती है, क्या कुछ चुनौतियां सुरक्षा बलों के सामने नजर आती है? क्योंकि जो तमाम इलाके जहां आतंकी छिपे हैं वो ज्यादातर अब रिहायशी इलाके हैं। बिल्कुल, जिस हिसाब से हमने देखा इससे पहले जो टारगेट ये आतंकी करते थे किसी भी चाहे सेना पर चाहे नॉन लोकल्स पर, ये ज्यादातर उन इलाकों में छुपते थे जहां पर इनको सहारा मिलता था, यानी फॉरेस्ट डेंस फॉरेस्ट इलाकों में जो जब भी ये सेना के वाहनों पर फायरिंग करते थे या सेना के काफिले पर फायरिंग करते थे तो इन्हीं फॉरेस्टों का सहारा ये लेते थे। लेकिन अब जो है फिर से एक बार वही स्ट्रेटेजी आई है, अब फिर से आम लोगों के घरों में जो है ये पनाह लेने लगे हैं, और ये जो है अब फिर से शुरू हुआ है डाउनटाउन के इलाके में जहां पहले आज से 3 साल एनकाउंटर हुआ, और वहां एक बार फिर आज जो है इस तरह का एनकाउंटर होना सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए भी एक बड़ा चैलेंज है, बड़ा कंसर्न है, क्योंकि इन इलाकों की जहां तक बात आती है ये काफी पीसफुल रहे इन 3 सालों में, यहां पर कोई भी टेरर इंसिडेंट नहीं हुआ, ना स्टोन पेल्टिंग हुई, लेकिन अब फिर से वही चीज जो है देखने को मिल रही है। एक बार फिर से ये भी इनपुट मिल रहा है कि लगातार जो रिक्रूटमेंट ड्राइव यहाँ पर खत्म हुई थी, यानी लोकल टेररिस्टों की रिक्रूटमेंट जो है ना के बराबर थी, लेकिन कुछ दिनों से जिस हिसाब से कई सारे OGWs को जो है गिरफ्तार किया गया, और उनसे ये भी पता चला है कि सोशल मीडिया के जरिए जो है उनको रिक्रूट किया जाता है, यानी एक बार फिर से जितने भी नई नई टेरर ऑर्गेनाइजेशन लश्कर के जितने भी ऑफशूट्स है वो ये चीज करते हैं कि एक बार फिर से वैली के जो नौजवान है, वैली की यूथ को जो है फिर एक बार जो है उनको रिक्रूट करने की कोशिश कर रहे हैं सोशल मीडिया एप्स के जरिए। फिलहाल जिस हिसाब से यहाँ पर सिक्योरिटी बड़ा एक कंसर्न था, क्योंकि नई सरकार का गठन हुआ और इस नई सरकार के गठन में कई सारे अब नए टेरर इंसिडेंट्स हमने देखे, लगभग 5 ऐसे टेरर इंसिडेंट्स हैं जो बीते 2 हफ्तों से हम देख रहे हैं, जहां पर आम लोगों के साथ साथ सेना की भी कैजुअलिटी। बिल्कुल, और इसीलिए अब सुरक्षा बलों की तरफ से एक बार फिर से ऑपरेशन जो है बड़े अंजाम पर चलाए जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आशिक मीर आपका हमारे से जुड़कर तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। अगली बड़ी खबर आपको बताऊं, जहां सेना और आतंकियों के बीच लगातार मुठभेड़ जारी है, और जिस घर में आतंकी मौजूद थे उस घर में आग लगी है,
घर में धमाके के बाद आग लगी है, ये तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। खानियार में सेना की आतंकियों से मुठभेड़ लगातार जारी है, 2 CRPF 2 पुलिस के जवान इसमें घायल हुए हैं। आतंकियों की तरफ से पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ करके लगातार सर्च ऑपरेशन जो है चलाया जा रहा है। और इन सबके बीच ये तस्वीरें जो आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये उसी घर की थी जहां पर आतंकी मौजूद थे, और घर में अचानक से धमाका होता है और पूरे घर में आग लग जाती है। यार में हम इस समय मौजूद है, यहाँ पर जो है सुबह से एनकाउंटर चल रहा है। फिलहाल जिस मकान में आतंकी छुपे हैं वहाँ पर आग लगा दी गई है। तस्वीरें आप देख रहे हैं श्रीनगर के खानियार की, जहाँ पर साफ तौर पर दिख रहा है कि जिस मकान में आतंकी छुपे थे वहाँ पर जो है आग लगा दी गई है। विजुअल्स के जरिए आप ये देख सकते हैं सुबह से ये एनकाउंटर जो है चल रहा है। सिक्योरिटी फोर्सेस को इनपुट मिला था कि कुछ टेररिस्ट जो है, बिल्कुल ये जो पीछे आप धुआं देख रहे हैं उठता हुआ, और यहीं पर जो है एक रेजिडेंशियल हाउस में जो ये आतंकी जो है छुपे हुए थे, जिन्हें ढूंढने के लिए यहाँ पर सुरक्षा बलों ने जो है पूरी तरह से कॉर्डन ऑफ कर दिया। और सुबह से ही यहाँ पर फायरिंग की आवाज़ें जो है रुक रुक कर सुनाई दे रही थी, लेकिन फिलहाल अब जो है एक मकान में आग लगा दी गई है जिस मकान में आतंकी छुपे हुए थे। ग्राउंड ज़ीरो से हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं श्रीनगर एनकाउंटर साइट की, जहाँ पर कुछ टेररिस्ट जो है छुपे हुए थे। और लगातार ये विजुअल्स में भी आप देख रहे हैं कि धुआं उठता हुआ, यानी एक मकान में जो है आग लगा दी गई है। और ये भी कहा जा रहा है कि 2 से 3 टेररिस्ट जो है इस मकान में छुपे हुए थे, जिन्होंने डाउनटाउन के खानियार श्रीनगर एरिया में जो है पनाह ली थी। और ये एक्सक्लूसिव विजुअल्स और ग्राउंड से हम रिपोर्ट दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर इस मकान में जो है आग लगा दी गई है, और 2 टेररिस्ट जो है इस मकान में छुपे हुए थे, और सुबह से ही यहाँ पर फायरिंग्स जो है चलती रही, और अब जो है इस मकान को जो है जला दिया गया है। रेजिडेंशियल एरिया है, काफ़ी साथ साथ मकान है यहाँ पर, और विजुअल्स के जरिए भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से अब इस मकान को जो है आग लगा दी गई है, क्योंकि लगातार सुबह से फायरिंग जो है इस जगह पर चल रही थी। ये टेररिस्ट जो है एक मकान में इन्होंने पना ली थी, जिसको लेकर अब जो है खानियार के इलाके में इस मकान में जो है आग लगा दी गई है। इंडिया न्यूज़ के लिए श्रीनगर से मैं आशिक मीर।